और आज इस बस पर सफ़र करने का एक कारण भी है कि आज है वुमेंस इक्वालिटी डे। तो चलिए आज जो यहाँ पर महिलाएं हैं उन्हीं से थोड़ा बात करते हैं। जैसे पहले यहाँ पर सिटी बसेस चला करती थी, लेकिन अब पिंक बसेस खास करके महिलाएं को लिए शुरू हो गई है। तो आप इससे मतलब आपको क्या लगता है, ये कितना सही हुआ है? ये तो बहुत सही हुआ है, क्योंकि लेडीज़ के लिए ज़्यादातर मतलब ऐसे जो भी बसेस चलती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, प्लस जेंट्स लोग भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। बट जब से ये पिंक बस स्टार्ट हुआ है तो मतलब लेडीज़ के लिए, लड़की के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल जोन हो गया है। मैं लेट से घर पहुँचती हैं, 8 बजता है, 9 बजता है कि नहीं, 10 बज जाता है, तो उनको जैसे प्रोटेक्शन की बहुत ही आवश्यकता होती है, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का कभी दुर्व्यवहार हो या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, इसलिए ऐसा है। मतलब समानता, फिर भी डर एक रहता है, एक डर रहता है उनके मन में, उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। और वो चाहती है कि हमेशा वो कहीं भी जाती हैं तो वो अकेले भी रहे, तो वो अच्छा फील करे और कहीं भी अकेले जा सकती हैं। बात चाहे सड़क पर गाड़ियां दौड़ाने की हो या फिर इन सड़क पर चल रही गाड़ियों को हैंडल करने की, महिलाएं इसमें भी आगे हैं, इसमें कम नहीं है। तो उन्हीं से आज हम एक महिला ट्रैफिक पुलिस से बात कर रहे हैं। तो मैम, ये जो ट्रैफिक का जो एक कह सकते हैं जो ये ड्यूटी होती है, खड़े रहना यहाँ पर घंटों और सारी गाड़ियाँ आती जाती इनको हैंडल करना, एक महिला ट्रैफिक पुलिस होने के नाते ये कितना मुश्किल या कैसा रहता है? पहले तो हम लोग ये मुश्किल को आसानी समझ के, अपने ड्यूटी समझ के, अपने कर्तव्य समझ के, हम लोग कितनों कठिन से कठिन ड्यूटी को निभाते हैं, चाहे उसको कितनों कठिन, मेरे ड्यूटी में कितनी कठिन, मेरे को किस कठिन हो जाए, लेकिन जनता को कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी काम है रोड का रेगुलर रखना। ड्यूटी ड्यूटी है, महिला या पुरुष है, हम महिला है चाहे पुरुष है, हम कम नहीं है किसी से। जितने पुरुष कर सकते हैं उतने हम महिला भी कर सकते हैं, महिलाएं कभी पुरुष से कम नहीं है, हमेशा उसके कंधे में कंधे मिला के चलिए, चाहे घर हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे ड्यूटी हो। 8 घंटे की शिफ्ट करना, मेन रोड में यहाँ पर सारी गाड़ियों को आते जाते हैंडल करना, जैसे बाकी जो अपने मेल अफसर्स हैं उनके साथ यहाँ पर काम करना, तो आपके लिए, आप जो महिलाओं की समानता है उसको कैसे देखती हैं? मेरे हिसाब से जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाएं सक्षम नहीं होती 8 घंटा खड़े रहने के लिए या फिर फिजिकल वर्क करने के लिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं फील होता, हम फैमिली को भी देख लेते हैं, उसके बाद अपना जो भी ड्यूटी होता है, अभी तो ट्रैफिक में ड्यूटी है हमारी, इसमें ड्यूटी भी कर रहे हैं 8 घंटे सर के साथ, जो भी हमारे को ऑर्डर मिला जाता है उसके हिसाब से कर लेते हैं। और लोगों को ये भी लगता है ना कि पुलिस लाइन में लड़कियों के मतलब कि गलत है, लड़कियों के लिए गलत है डिफेंस लाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक हो, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, आपको बस अपनी ड्यूटी से मतलब। कहीं थोड़ा जज कर लिया जाता है कि अगर आप जैसे महिला पुलिस अफसर हैं तो शायद आप मेहंदी में रुचि ना रखती हो, बट आपको ऐसे देखा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पुलिस है तो क्या, हमें भी अपने शौक पूरे करने का पूरा अधिकार है, ऐसी बात नहीं है, और मन तो सबका ही होता है सब कुछ करने का। मन तो सबका ही होता है, और जो हमारा, लेकिन जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो हमें निभाना ही है। और लास्टली, अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ पर हमने बहुत सारी महिलाओं से बात किया, चाहे वो सड़क पर गाड़ियाँ चला रही हों या फिर वर्किंग प्लेस पे पिंक बस पर अब सवारी कर रही हों, या फिर वो महिलाएं जो ट्रैफिक पुलिस हों, जो सड़क पर गाड़ियों को हैंडल कर रही हों, सबके अंदर वो महिला है, वो जोश है, वो जुनून है, लेकिन अपने कर्तव्य को पालन भी वो कर रही हैं बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ तरीके से, जहाँ पर वो कहीं भी एक औरत होने के नाते अपनी कमज़ोरियों को दर्शाना या फिर उन कमज़ोरियों को मानती ही नहीं है, जबकि उसे एक अपना स्ट्रेंथ मानती है और उसी को लेकर के वो आगे चल रही हैं, समाज में आगे बढ़ रही हैं। कैमरामैन नवल के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।